वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा पावर। और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टेबल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी पार्ट टू। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टेबल्स देखेंगे जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसका एक पार्ट आपका और ऐड होगा क्योंकि वहां पर कुछ कैलकुलेटिव पार्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को लेकर आपका क्वेश्चन है। जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो आपको ड्रग्स मिलती हैं, वो मिलती हैं जो आपकी आसानी से जो है आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी मैं ये कहूँ वो ये आपकी ड्रग्स हैं, एज एन बेस यूज़ होती हैं लोशंस में, क्रीम्स में, आई ऑइंटमेंट में। तो वो ड्रग्स हैं, जनरली हम कह देते हैं पेट्रोलियम बेस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी भी आपकी जो ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं आपके लोशंस में। जनरली लोशंस को पेट्रोलियम आपका प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे ड्रग के नेम है और मेल्टिंग पॉइंट है कोका बटर। ये आप देखेंगे, आप वैसलिन का लोशन देख लें, आप हिमालय का लोशन देख लें, पोन्स का लोशन देख लें, उसमें आपका कोको बटर यूज़ होता है। क्यों होता है? सिर्फ इसके मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। 30 to 33 जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में। आपसे क्वेश्चन कभी भी किसी को टारगेट करके नहीं पूछा जाता है। बीज वैक्स को पूछा जा सकता है क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज था कि बीज वैक्स को हम जो है आई ऑइंटमेंट में क्यों यूज़ नहीं करते हैं। वो भी आपका है कि जो ब्लीच बीज वैक्स है, जिसे हम वाइट बीज वैक्स कहते हैं, उसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, येलो बीज वैक्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका टेम्परेचर भी वहाँ पर पूछा जाता है डायरेक्टली। तो आप जो भी ड्रग देखेंगे जिनका यूज़ हो रहा है, सो दीज आर प्योरिटी ऑफ ट्रू ड्रग्स, उसको हम चेक भी कर सकते हैं। 30 to 33 कोका बटर है। सबसे ज़्यादा आप देखें तो कोलोफोनी, ये आपका 75 to 85 है। बीज वैक्स 62 to 65 और वूल फैट, जिसका यूज़ आप कॉस्मेटिक्स में देखते हैं और एज एन बेस में देखते हैं ऑइंटमेंट के, तो लिनोइन, लिनोनिलिन, ये आप सब आपके वूल फैट हैं, हाइड्रेटेड वूल फैट, ये सब इसी का पार्ट है। लेकिन जो मेन चीज़ रहती है वो आपका टेम्परेचर रहता है। ये क्वेश्चन जो है आपका सूटिक्स में चला जाता है इन कंपैरिजन ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट का, किसका सबसे कम है किसका ज़्यादा है अगर बीज वैक्स को छोड़ दिया जाए। तो कोका बटर 30 to 33, कोलोफोनी 75 to 85, बीज वैक्स 62 to 65 और वूल फैट का आपका 34 to 44। इस तरह से आपसे क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हम जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी एक इजी सी ट्रिक है, इसको मैंने बहुत इजीली आपके लिए एक टेबल में बनाया है, क्योंकि ये तीन ही ऑयल हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है। जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेरी करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हैं। अब इसका यूज़ किस तरह से हम करते हैं, अगर हम ऑयल है या कोई वाटर है, वाटर है उसमें आप कोई लाइट डालेंगे तो वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करती है। तो इसी को हमने एज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसी को लेकर हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं ऑयल्स की, स्पेशली जो लिक्विड हैं ऑयल हैं उनका। तो सबसे पहले अराचीज ऑयल है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आप देखनी है कि यहाँ पर 1.46, 1.47, यानी जो 0.1 है वो कॉमन है। इसके बाद आपको सिर्फ आपको टू न्यूमेरिकल्स याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 1.4678, इतना लंबा नंबर याद करना मुश्किल है। तो अराचीज ऑयल में देखेंगे 0.1 सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, सब में कॉमन है। तो आप सीधा याद रख सकते हैं 1.46 to 47। तो 46 to 47 आप इस तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर कॉमन हो गई है। क्योंकि जब आप इसको एक ऐसे बड़े नंबर में देखते हैं तब मुश्किल हो जाता है कि आप 1.4758 को 1.527 तक करें तो मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप 0.1 को एज एन कॉमन ले ले सब में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और उसके आगे के जो डिजिट है 46 47। कैस्टर ऑयल में देखेंगे 47 to 52, उसके बाद आपका 52 से आगे बढ़ेगा 53 तक। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टेबल है वो बहुत ईजी हो जाता है। 1.46 to 47, यानी 46 to 47, 47 to 52 एंड देन 52 to 53। कुछ ये टेबल्स आपके हैं कि आपको मेमोराइज करने ही पड़ते हैं।
लास्ट टाइम पर भी आप करें तो इजी रहता है, लेकिन ये जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज द मॉइस्चर कंटेंट, कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो इसमें जरूरी है मॉइस्चर कंटेंट का पता करना, रीजन दो है, क्योंकि अगर ड्रग में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ड्रग आपकी डिकम्पोज हो सकती है, डिटोरिएट हो सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉइस्चर कंटेंट से रहता है कि हम चेक कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो 105 डिग्री सेल्सियस पर ये चेक होता है, ओवन में होता है, हॉट एयर ओवन में। तो कॉन्स्टेंट वेट, आप कोई भी ड्रग लें, चाहे आप अकेशिया लें, स्टार्च लें, एलोए लें, तो ड्रग का जो वेट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उसके बाद आप दोबारा वेट करते हैं कि कितना जो आपका मॉइस्चर है वो वेपराइज हुआ और आपके पास कितना वेट बचा। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं, सिंपल सा मेथड है। तो 105 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ ड्रग्स हैं आपकी, अकेशिया है। जब आप देख रहे थे कि जो है आपका वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट था, वहां पर आप देख रहे थे नॉट लेस देन, और यहां पर आपको मिलता है नॉट मोर देन का ऑप्शन। जो पिछली वीडियोस थी वहां पर आपको जब वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट था तो नॉट लेस देन 2.5, 2.5, 14, 1.4 इस तरीके से था। यहां पर इस टेबल में जो बात नोट करने वाली है ये मोर देन है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो ड्रग डिटोरिएट हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऑप्शन में डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे। अगर वोलेटाइल ऑयल का क्वेश्चन है और वहां पर आपको ऑप्शन में नॉट मोर देन दिख गया तो वो ऑप्शन वहीं पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा, अगर यहाँ पर आपको लेस देन मिल गया तो वहां भी गलत हो जाएगा। तो अकेशिया इज नॉट मोर देन 15%, स्टार्च नॉट मोर देन 50%, एलोई की अगर हम बात करें तो ये है नॉट मोर देन 10%। एरगोट, इसका एक और ट्रिक है, एरगोट को आप सीधा याद रख सकते हैं 8 से, क्योंकि ई से आपका एरगोट है और ई से 8 है, तो नॉट मोर देन 8%। और डिजिटेलिस इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी डोज भी बहुत कम होती है, जनरली क्या होता है 0.5, 0.25 इस या 0.05 तक भी कई बार हम देते हैं, तो बहुत कम डोज है इसकी, डिजिटेलिस की। तो नॉट मोर देन 5% इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। तो अकेशिया स्टार्च में देखा आपने नॉट मोर देन 15%, एलोए नॉट मोर देन 10%, देन एर्गोट 8 से आपका नॉट मोर देन 8%, एंड डिजिटेलिस इज नॉट मोर देन 5%। याद जरूर रखना है कि मॉइस्चर कंटेंट में आपका जो है ऑप्शन आपको नॉट मोर देन वाले मिलेंगे, और वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट वाले में जो आपका ऑप्शन है वो आपको नॉट लेस देन वाले मिलेंगे। तो ये आपका कुछ सिंपल पॉइंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट टेबल आई थिंक इस स्लाइड का, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको लेकर रहे हैं। टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन जो है फार्माकोग्नोसी का, वो इन टेबल से इजिली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि जब आप एक एक ड्रग पढ़ते हैं तो आप उसका याद नहीं रख पाते हैं, सब कुछ मॉर्फोलॉजी करेक्टर्स याद नहीं रख पाते हैं, इसलिए टेबल में अरेंज कर दिए जाए तो बहुत आसानी होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट की बात करें तो एक डायमॉर्फिक साल्ट होता है कैल्शियम का, जिसमें आपका वाटर के साथ ये प्रेजेंट होता है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये मोनोसाइक्लिक हो सकता है, मीन्स कि एक मॉलिक्यूल वाटर का अटैच है, टेट्रागोनल हो सकता है कि आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच है। तो यहाँ पर इस तरह से रहता है नॉट डिजिटेलिस एंड एलोए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नॉट को लेकर, कि आपका डिजिटेलिस और जो एलोए है इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल नहीं मिलते हैं। ये आपका बहुत बार स्टूडेंट से पूछा गया है जीपैट, नाइपर और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में, कि जो डिजिटेलिस है और आपका एलोए है, दोनों ही कॉमन ड्रग है, एलोए बार बार डेनेसिस और आपका डिजिटेलिस और डिजिटल, तो यही आपका जो है इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल की प्रेजेंस ना होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों ड्रग्स में, और इसी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब हम टेबल की बात करते हैं तो जिस तरह से आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं, तो कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, लेकिन इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूबिक और प्रिज्म टाइप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल,
सेना में मिलते हैं क्वालियन में, वाइल्ड चेरी, कोका जिसकी हमने बात करी थी आज, कास्करा, राव वोल्फिया और ग्लाइकोरिजिया। तो ये आपकी ड्रग्स हैं जिनमें क्यूबिक और प्रिज्म है। रोम्बिक या डायमंड आपका सिर्फ एक कुर्ची बाक में है। उसके बाद टेट्रागोलन, आयोसाइमस और ऑनियन। मोनोक्लिनिक आपका ओक गाल में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूबिक और प्रिज्म देखें तो आप सेना, क्वालियन, वाइल्ड चेरी, कोका, कास्कारा, राव वोल्फिया और गाइकोरिजिया। रोम्बिक आप देखें तो कुर्ची में है, कुर्ची बाग। टेट्रागोनल, आयोसाइमस और ऑनियन। मोनोक्लिनिक जो है आपका, ये आपका ओक गाल्स में, ये अलग अलग शेप्स हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के बेस पे जो है ये टेबल बनाया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट टेबल है, टेबल थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर ये आपको हो जाता है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी का, जितने क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन उतने ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द एसिकुलर डेंड्राइट्स, सिनामन, स्क्विल, जेनिशियन एंड आईपेक। तो ये आपके एसिकुलर हैं, रेफाइट्स हैं, रोजेट और क्लस्टर। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका ये पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे आपको जो है कॉमन यूज होने वाली ड्रग मिलेंगी। ये दो जो है आपके पॉइंट, इन दोनों से क्वेश्चन आज तक सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि ये आपकी कॉमन और इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं। इनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत कम रहा है, लेकिन रोजेट और क्लस्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहा है। इसमें आप क्लोव देखेंगे, अर्जुना देखेंगे, यूकिलिप्टस देखेंगे, स्ट्रामोनियम देखेंगे, फेनल है, कोरिएंडर है। बहुत कॉमन ड्रग हैं और यूजफुल ड्रग हैं, इसलिए इन दोनों को हमेशा टारगेट किया गया है। ये इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो करेक्ट करते हैं सिर्फ टेबल्स की वजह से। माइक्रोस्पिनॉइड्स और सैंडी क्रिस्टल, इट इज़ सिंकोना, टबैको और बेलाडोना। बेलाडोना को जनरली टारगेट किया जाता है पूछने के लिए कैसा क्रिस्टल है, तो माइक्रोस्पिनॉइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक और रोजेट्स और कुछ ड्रग्स आपकी हैं जैसे हैं बेलाडोना। तो ये आपका टेबल है, इस टेबल पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है एक ही टेबल से आपका कवर हो रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ टेबल्स थे इस स्लाइड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कैलकुलेशंस और एक आपका टेबल और है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे, वो आपका लास्ट टेबल होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड